Assalamualaikum and a very warm welcome to Dr. Naushiba Salman and Skin Solutions. आज हम आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? एज के साथ साथ या वैसे भी कुछ लोगों में जो लोअर पार्ट होता है वो हैवी होता है, और अगर किसी का पहले ही हैवी हो और एज के साथ टाइम के साथ वो मजीद हैवी होता जाता है, या फिर ये होता है कि कुछ लोगों की बनावट फेस की ऐसी होती है कि वो नीचे से अगर स्लिम भी हों तो उनका फेस फिर भी आपको मोटा लगेगा, मतलब वो लगता ही नहीं, कोइंसाइड ही नहीं करता। वेट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फेस जो है वो बहुत बड़ा और ब्रॉड और मोटा लगता है, और यूजुअली उनकी ये दो साइड्स जो होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं और वो फेस को बहुत हैवी लुक दे रही होती हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जो जॉ लाइन है उसको स्लिम डाउन करते हैं और जो फेस की शेप है उसको रीडिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका फेस जो है वो स्लिम लगेगा। ये कोई भी करवा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप एजेड हैं और आपकी स्किन लटक के यहाँ से मोटा लग रहा है फेस तो तब आप करवा सकते हैं। ये कोई भी करवा सकता है, इवन यंगस्टर्स भी करा सकते हैं जिनको ये लगता है कि उनका फेस जो है वो उनकी बॉडी के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं लगता, या उनके फेस की जो शेप है वो ऐसी है कि वो बहुत मोटा चौड़ा और क्या कहते हैं उनको बहुत मोटा लुक आता है उनका पिक्चर्स में या वैसे भी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं, थ्रेड्स जो हैं वो इसको रीडिफाइन करते हैं, बट इसको स्लिम डाउन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो आपके ये वाले मसल को, जिसको हम मैसेटर मसल कहते हैं, और जिन लोगों का ये चौड़ा होता है और फेस बहुत फूला हुआ और मोटा लगता है, उनका हाइपरट्रॉफिक मसल होता है, बड़ा होता है मसल, तो उससे ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इफेक्ट आएगा कि स्लिम डाउन हो जाएगा फेस और आपको फेस की शेप जो है वो चेंज लगेगी। समटाइम्स बोटॉक्स के साथ हम पेशेंट्स को थोड़े थ्रेड्स यूज़ करते हैं या करने पड़ते हैं, और समटाइम्स आरएफ टाइटनिंग भी की जाती है या फिर टाइटनिंग वाली मीजो करते हैं। मतलब जो मेन इसकी चीज़ है दैट इज़ बोटॉक्स, वो तो हमने लगाना ही है। इसके साथ किसी और चीज़ को जैसे आरएफ टाइटनिंग है या मीजोथेरेपी है टाइटनिंग वाली, या फिर जो है वो थ्रेड्स हैं, इसमें से किस चीज़ को ऑप्ट करना है या किसी भी चीज़ को ऑप्ट नहीं करना वो हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं। इसकी वजह से आपको आपके फेस का शेप जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको रीडिफाइन कर सकते हैं और आपको स्लिमर लुक दे सकते हैं, और ये मेल फीमेल यंगस्टर्स या एजेड कोई भी करवा सकता है जिसको ये लगता है कि उसका फेस जो है वो लोअर साइड से जाउल की साइड से ज़्यादा हैवी है और उसकी वजह से फेस जो है उसका शेप अच्छा नहीं लगता और फेस जो है वो मोटा फील होता है। तो एक दफ़ा का ये एक ही दफ़ा करने वाला प्रोसीजर होता है, और यूजुअली जो है वो जब हम क्योंकि बोटॉक्स लगा रहे होते हैं तो हमने 4 to 6 months के ऊपर बोटॉक्स को रिपीट करना होता है। इसके साथ जो और कोई चीज़ हम लगाते हैं यूजुअली उसको रिपीट करना इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, और पड़ भी सकती है वो हम पेशेंट को देख के बता सकते हैं, इट्स ए सिंगल टाइम प्रोसीजर। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और आज हमने आपके साथ एक और कॉमन इशू जो है वो शेयर किया है, तो होपफुली उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।